पर इसीलिए हम ये फेस्टिवल करवा रहे हैं ताकि लोगों को देखिए, अगर लोगों को अपनी जान का खतरा होता है, हमारे टूरिस्ट जो सितंबर महीना स्टार्टिंग का था, इसके अंदर देखिए अगस्त में सारा कुछ ये हुआ, आज भी जब बारिश अगस्त में भी हुई और सितंबर स्टार्टिंग में भी जब हुई, तब भी इलाकों में अलग अलग जगह पे बहुत सी दिक्कतें आई क्योंकि पानी आया। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहला काम ये था कि जगहों के अंदर जहाँ पे पानी आया और जहाँ पे उन्होंने डैमेज किया, उन जगहों को सड़कों के रास्तों से जोड़ा जाए ताकि बच्चे स्कूल जा सकें और हर चीज़ जो है वो सामान्य रूप पे चल सके, दफ्तर खुल सके, सब कुछ हो। टूरिस्ट जो हैं वो इक्का दुक्का जो है वो तब भी चलते रहे जिस समय पे, इक्का दुक्का जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है 10% ऑक्यूपेंसी, 15% ऑक्यूपेंसी। अगर एक होटल के अंदर 100 कमरे हैं तो 10 कमरे 15 कमरे तब भी चढ़ते रहे आपके, क्योंकि जिन्होंने काम करने आना है उन्होंने तब भी आना है। पर जो आपकी आज का फ्लो है, मतलब सितंबर में जहाँ आज हम बैठे हैं, आज के फ्लो के अंदर 3 गुना फर्क पड़ा है टूरिज्म के ऊपर। परसों मतलब 2 दिन पहले कसौली जो था वो पूरा भरा हुआ था, कसौली के अंदर कोई रूम खाली नहीं था। शिमला के अंदर ऑक्यूपेंसी और बढ़ी है पहले से, पर इसीलिए हम ये फेस्टिवल करवा रहे हैं ताकि लोगों को देखिए, अगर लोगों को अपनी जान का खतरा होता है, उनको ये लगता है कि कहीं पे पानी आ गया है, पता नहीं वहाँ पे हालात कैसे हैं, इसलिए वो सोचते हैं जो टूरिस्ट होता है वो वहाँ पे क्या करने आता है, वो वहाँ पे इंजॉयमेंट करने आता है, फैमिली को लेके आके एक अपना हॉलीडे मनाने आता है। हॉलीडे वो कहाँ मनाने आता है, जहाँ पे उसको लगे कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ उसको लगेगा कि पानी आया हुआ है, शायद वो जगह टूटी हुई है, शायद उसको बनाना है। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि शिमला में हम बैठे हैं, आप शिमला में हैं, मैं शिमला में हूँ, यहाँ पे एक सिर्फ 1, 2 या 3 जगह होंगी जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, बाकी जगह तो सामान्य है। मॉल रोड में कुछ नहीं है, मशोबरा में कुछ नहीं है, बाकी जगह बिल्कुल सामान्य, कसौली के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो जगह जहाँ पे नुकसान है, अगर धर्मशाला देखा जाए, धर्मशाला में मैक्लोडगंज बिल्कुल ठीक है, धर्मशाला बिल्कुल ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। कहीं कॉर्नर में, कहीं गाँव में, कहीं किसी जगह पे जहाँ पानी ज़्यादा बरसा, जहाँ मिट्टी का स्टाटा ऐसा था कि मिट्टी वहाँ पे धस गई, वहाँ नुकसान हुआ है, वो लोगों को बताने वाली बात है। और टूरिस्ट का जो फ्लो है, जैसे कोविड में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग अपने मुंह को बंद करके मास्क के साथ चल रहे थे, पर जब देश पूरा बाहर निकला, लोग इकट्ठे बाहर निकले और भर गया सब कुछ द्वारा से, वैसे ही टूरिज्म जो है लोगों को सिर्फ यही बताने की जरूरत है कि स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, मार्केटें चल रही हैं। सबसे ज़्यादा छोटा क्या होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, छोटा बच्चा, सबसे ज़्यादा छोटा बच्चा, जब अपने जो पेरेंट्स हैं, जो घर वाले अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, नर्सरी के बच्चों को भेज रहे हैं, UKG के बच्चों को भेज रहे हैं, फर्स्ट के बच्चों को भेज रहे हैं, तो जब बच्चे पढ़ने स्कूल अपनी बसों में जा रहे हैं और शाम को पढ़ के आ रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को भेज रहे हो जो अपना ख्याल खुद अकेले नहीं रख सकते, तो सामान्य हालात हो चुके हैं।